सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज हम एक आम किसान के यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। वीडियो को आगे चलाएं और इस काफ़ी हैवी मिल्क लाइन की जो भैंस है इसके बारे में आगे इनसे डिटेल से पूछें। उससे पहले मैं कहूँगा, जो भी पशुपालक आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम हरियाणा को मुर्रा की खान माना गया है, इसमें एक से एक जो नायाब नगीने आपके लिए जो मुर्रा के लेके आ रहे हैं, उसकी जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक पशुपालक जो अच्छे पशु लेना चाहता है अदर स्टेट से, उसको भी हम एक आम किसान से मिलाएं, और एक अच्छे ब्रीडर की वीडियो भी आपको जो भी डाले वो सबसे पहले पहुँचे। आगे हम इस भैंस के बारे में डिटेल से पूछते हैं। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम क्या है? राजेंद्र जी। राजेंद्र, गांव कौन सा है? गांव मालड़ा बास जी। मालड़ा बास, और जिला? जिला महेंद्रगढ़। जिला महेंद्रगढ़। तो अभी जो कैमरे के सामने जो भैंस खड़ी है, कौन से ब्यांत में? ये जी चौथा है जी। चौथा ब्यांत। तो आपके घर की है, आपने खरीदी थी? खरीदी जी। खरीदी थी, तो इसका जो पहले आपने जहाँ से भी खरीदी थी, जिससे भी, वहाँ इसका दूध का रिकॉर्ड क्या बताया गया है? 24 किलो 700 ग्राम है जी। 24 किलो 700 ग्राम। कौन से ब्यांत में? ये जी दूसरा में। दूसरा ब्यांत में निकाल रखा है। अभी कौन से ब्यांत में बच्चा देगी अब की बार? जी चौथा में। चौथे ब्यांत में। तो देखिए, आपको मैं हर जो इस भैंस के करैक्टर हैं वो एक एक काफ़ी बारीकी से दिखाता हूँ, क्योंकि जो भी पशुपालक पेमेंट लगा रहा है उसकी पेमेंट है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और हर तरह के पशुपालक हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं। जो इसकी हाइट है वो हमने वीडियो बनाने से पहले ही नापी थी, 5 फुट 4 इंच ऊंचाई है इसकी, और जो लंबाई है वो इस झोटी की हमने नापी है 13 फीट से भी लंबी है कुछ न कुछ। तो जो इसकी बॉडी शेप है, इतनी हैवी हाइट और लेंथ की भैंस हमने आज तक काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, हमारे देखने में भी नहीं आई है। और जो इसकी पीठ की चौड़ाई है, आगे से बिल्कुल पतली है भैंस, और पीछे से बहुत हैवी पीठ के अंदर है, थोड़ा उस साइड लेके चलो जी। और जो अडर की शेप है वो बिल्कुल नाभी से लेके और पीछे बाहर की तरफ निकली हुई, क्योंकि काफ़ी जो पशुपालक हैं वो ब्रीडिंग के लिए पशु लेना चाहते हैं, रोक लो, ब्रीडिंग के लिए पशु लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा, और हम अपने चैनल पे भी इस भैंस को मानेंगे कि अब तक कोई झोटी या अच्छे मिल्क लाइन की हमने 25-25 किलो दूध तक की भैंस दिखाई है, लेकिन इतने बॉडी वेट की भैंस नहीं मिलेगी। तो अभी कितना टाइम है जी इसका बच्चा देने में? जी बच्चा देना में जी एक हफ्ता रह रहा है। एक हफ्ता। तो अब की बार आपका बेचने का विचार भी इसका? हाँ जी, बेच दें, दूध लिकड़वा के बेचेंगे। दूध तोल के? तोल के बेचेंगे जी। ठीक ठीक। तो अपना एक बार संपर्क नंबर बताओ, फोन नंबर बताओ जो 94 16 90 51 98 98। तो जो भी पशुपालक इस भैंस को लेना चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। और हमारे इलाके में पहले ऐसे पशुपालक हैं जो कि अच्छे पशुओं का शौक रखते हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे जो ब्रीडर हैं वो भी एक बार अपनी हाजिरी लगाना ज़रूर समझते हैं, क्योंकि अच्छे पशु उपलब्ध करवाते हैं, पशु को तैयार करते हैं, अपने घर साइड ले चलो, पशु को अपने घर खुद तैयार करते हैं। और दूध भी कांटे पे तो सब तोल के देते हैं, लेकिन जो लोहे के बाट हैं उनसे दूध यही पशुपालक हैं वो तोलते हैं। जो इसकी थनों की क्वालिटी है मैं आपको बिल्कुल बारीकी से दिखा रहा हूँ, चारों थन बिल्कुल अलग अलग हैं, और जो एक हैवी मिल्क लाइन की भैंस है उसकी जो पहचान होती है इसके शरीर पे, पीठ के ऊपर बाल बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं आपको, ले चलो बांध लो। तो पूरा मैं कहूँगा कि ट्रैक्टर के जितना भारी शरीर है, एक भैंस लेना और एक ट्रैक्टर लेना मैं बराबर समझता हूँ इसकी बॉडी के वेट के हिसाब से। तो हमने आपको ये वीडियो दिखाई, जो भी पशुपालक देश विदेश से हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उत्बांध ले उतले चलो, काफ़ी हैवी बॉडी वेट में, और पशुपालक भाई काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को। बहुत जल्द हम 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसमें सभी भाइयों का सहयोग है। लास्ट में अगर कोई भी हमारी वीडियो में किसी भी तरह की कमी लग रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस झोटी के बारे में भी बताएं, क्योंकि एक आम पशुपालक काफ़ी मेहनत से पशु तैयार कर रहा है, और उसकी मेहनत
जया नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम आपके समक्ष ये वीडियो लेके आते हैं और एक अच्छा पशु आपको मिले, इस मुहिम में हमने ये वीडियो बनाई। लास्ट में सभी भाई जो भी देश विदेश से वीडियो देख रहे हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।